होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे कैसे एक नॉर्मल वर्क के लिए सीपीयू यानी कि कंप्यूटर अपने घर पे कैसे असेंबल कर सकते हैं। ना ये जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल वर्क के लिए ही कंप्यूटर अपने घर पे असेंबल करें, आप एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग के लिए भी घर पे आप असेंबल कर सकते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आप स्पेयर पार्ट मार्केट से खरीद के लाके अपने घर पे स्वयं खुद से खुद घर पे सस्ते रेटों में असेंबल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली यानी कि नॉर्मल वर्क एक्सेल पीपीटी वगैरह के लिए आप एक सस्ता सस्ते से सस्ता सिस्टम कैसे असेंबल घर पे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदे, जैसे कि मैंने एक फैन खरीदा है। मैं आज i3 6th generation का एक सिस्टम घर पे असेंबल करूंगा खुद अपने नॉर्मल वर्क के लिए। इसके लिए मैंने एक फैन खरीदा है और मुझे हार्ड डिस्क नहीं लगानी थी, जैसे SSD विंडो इंस्टॉल करनी है, SSD पर विंडो इंस्टॉल करूंगा। जिसके लिए मैंने HP की 256 GB की SSD खरीद रखी है, SATA SSD। इसके साथ मैंने जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड करा खरीदा 6th generation का। इसके साथ मुझे कुछ पार्ट्स मिले हैं तो ओपन करके दिखाता हूँ। इसके साथ मैंने खरीदा DDR4 की 4 GB रैम, एक साटा केबल जिसमें आप हार्ड डिस्क या SSD लगा सकते हैं साटा। इसके साथ i3 6th generation का एक प्रोसेसर खरीदा है और इसके साथ मुझे मिला है ड्राइवर यानी ड्राइवर DVD मिली है और मुझे इसमें मिली है एक मदरबोर्ड कैबिनेट में लगाने के लिए प्लेट। अब मैं मदरबोर्ड दिखा देता हूँ आपको। यह है i3 6th generation का जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड जिसमें इस मदरबोर्ड में एक अच्छी चीज कि मुझे NVMe पोर्ट भी मिला है। यहाँ पे मैं NVMe यानी कि NVMe SSD जो आती है कार्ड वाली वो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। साटा के साथ साथ मुझे ये ऑप्शन भी मिला, ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिला मुझे इसके अंदर। मैं इन फ्यूचर चाहूंगा तो इसमें साटा SSD भी लगा सकता हूँ। और इन सबको इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक कैबिनेट खरीदा बहुत सस्ते रेटों में, विद SMPS 1200 रुपये का पड़ा मुझे। आपको हो सकता है सस्ता ही पड़ सकता है, महंगा ही पड़ सकता है। अगर आपको कोई PC खरीदना है तो कॉन्टैक्ट नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सेकंड हैंड न्यू PC दोनों मिल जाएंगे, लैपटॉप चाहिए या स्पेयर पार्ट्स चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसे मैं असेंबल करके आपको दिखाता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि विंडो कैसे इंस्टॉल करना है और कहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको प्रोसेस आगे बताता हूं। पहले मैं सारे स्पेयर पार्ट्स को कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल कर लेता हूं। चलते गाइस, अब मैं अपना जो प्रोसेसर लेकर आया था उस प्रोसेसर को मैं यहाँ लगा लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अपना पुराना प्रोसेसर निकाल लेना है। ये मैंने चेक किया था, इसका कवर मुझसे गिर गया था तो उसने मुझे पुराना प्रोसेसर लगा के दे दिया ताकि इसकी पिन टेढ़ी ना हो। इसको क्या करता हूँ, पुराने प्रोसेसर को मैं आराम से निकाल लेता हूँ। ये पिने के होते अगर थोड़ा भी टच हो जाता तो ये पिने टेढ़ी हो जाती है जिसके कारण पूरा मदरबोर्ड हमारा ख़राब हो जाता है। इस चक्कर में कुछ ना कुछ इस पर लगा के रखना चाहिए हमें सेफ्टी के लिए। मैं इस प्रोसेसर को निकाल के इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ध्यान दे के इसका ये जो पिने होती हैं ये वाली दोनों पिने साइड में, ये दो पिने होती हैं, इन पिनों को विशेष ध्यान है जो मदरबोर्ड में उसी साइड इसको लगाएं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इधर ये साइड में यहाँ पे एक पिन है, यहाँ पे एक पिन है, इसलिए इस प्रोसेसर को ऐसे ही लगाएं ताकि पिन टेढ़ी ना हो। ये आराम से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद सिंपल क्या करना है, इसको लगा देना है, इसको प्रेस करके यहाँ पे लॉक कर दें। सिंपली हमारा प्रोसेसर आराम से इंसर्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अपने फ़ैन को प्रोसेसर के ऊपर लगा देना है। सिंपली लॉक वाला फ़ैन है तो आराम से लग जाएगा, कोई पेच की या पेचकस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली हम इसको लगा देते हैं, हो गया। ये हमारा फ़ैन लॉक हो चुका है। और इसकी पावर को यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पे लिखा होगा फ़ैन, देख सकते हैं यहाँ पे FAN फैन लिखा हुआ है। सिंपल इसकी पावर को यहाँ पे लगा देना, इसकी पावर को हमने यहाँ लगा दिया। इस मदरबोर्ड को हम कसते हैं अपने कैबिनेट के अंदर, मदरबोर्ड के साथ मिली थी। सिंपल आपने क्या करना है, कैबिनेट पे यहाँ पे लगा देना उसको। कैसे लगाना इसको ओपन कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ। ये ओपन कर लिया और सिंपल इसको देख लेना, सीधा करके लगाना है। सिंपली अंदर की ओर लेके जाके इसको प्रेस कर देना, ये लॉक हो जाएगा। ये सीधे देख सकते हैं आप, आसानी से ये लॉक हो चुका है। अब अपने मदरबोर्ड को आराम से कैबिनेट के अंदर कस ले। ये सेट हो चुका। अब क्या करना है, यहाँ पर अपने पेज के से स्क्रू ड्राइवर जरूर ले लें। इसके साथ आपको कुछ पेज मिलेंगे, जैसे कि ये कुछ पेज है अपने मदरबोर्ड में, यहाँ पे कस ले, यहाँ पे ये देख रखे हैं, यहाँ पे कस लेना हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, SSD को कस लेता हूँ इसके अंदर। कवर के अंदर से मैं SSD को ओपन कर लेता हूँ।
जहाँ पे आपको सेल लगे वहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये SSD हो गई हमारी इंस्टॉल्ड। अब मैं लगा लेता हूँ अपनी रैम को। यहाँ पे देख सकते हो दो स्लॉट है। यहाँ पे किसी भी स्लॉट में आप रैम को लगा सकते हैं आसानी से। आपको जो स्लॉट में आपको लगाना हो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं स्लॉट में लगा देता हूँ रैम को अपनी SSD को। मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ साटा केबल के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको तीन पोर्ट देखने को मिल रहे होंगे। आप तीनों पोर्ट में से किसी में भी लगा सकते हैं। ये मैंने लगा दी केबल साटा केबल। पिन का एक पोर्ट दिखाई दे रहा होगा, उस पोर्ट पर आपको सिंपली लगाना है ये वाला कनेक्टर 24/4 का। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। हल्का सा प्रेस कर देना है, ये ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। फिर आपको लगाना है प्रोसेसर का। ये देख सकते हैं प्रोसेसर का कनेक्टर है, चार कनेक्टर का। अब इसको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे कोने में दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे कोने में क्या छः पोर्ट का आपको दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपका चार पोर्ट का भी SMPS यहाँ पे वर्क कर जाएगा। आपको करना इधर वाले पोर्ट में आपको इसको लगा देना, इधर साइड वाले में पोर्ट जिधर USB पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है उधर साइड में आपको इसको लगा देना है। इसको लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कनेक्टर लगा दिया। बाकी के आपके पास साटा केबल जो साटा पोर्ट है आपको क्या करना है, सिंपली अपनी SSD के अंदर लगा देना है। मैं इसको SSD के अंदर लगा देता हूँ। ये मैंने अपने कनेक्टर लगा दिए। अब मैं पावर केबल लगा लेता हूँ ताकि अब मुझे जैसी पावर केबल लगाऊंगा लाइट जल जाएगी। ये लेता हूँ पावर केबल। यहाँ पावर केबल लगाने का ऑप्शन है, पावर केबल लगा लेते हो। पावर केबल लगाने के बाद इस SMPS में हमारे करंट आ जाएगा, मदरबोर्ड में भी पावर आ जाएगी। फिर हम अपने पावर केबल को लगाएंगे। इस तरीके की आपको केबल मिलेगी मार्केट से, सॉरी इसके साथ SMPS के साथ ही। ये केबल को आपने सिंपल अपने SMPS में कनेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद दूसरा पोर्ट आपको लगा देना सीधे अपने पावर सॉकेट में। ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए फैन वर्किंग करने लगा है, यानी कि ये हमारा मदरबोर्ड वर्किंग में है। अब मैं डिस्प्ले लाके दिखा देता हूँ आपको। क्या करना है, इस वाले कनेक्टर को आपको सिंपल क्या करना है, मदरबोर्ड में आपको कलर कोड दिखाई दे रहे होंगे। कलर कोड में क्या होगा, ब्लैक और येलो ब्लैक और ब्लैक वाले पे क्या करना है, आपको ए वाला सॉकेट लगा देना जो कि पावर ऑन ऑफ करने के लिए है। सिंपल इसको मैं लगा देता हूँ वहाँ पे। ये मैंने इस टाइम पावर वाला केबल लगा दिया। अब मैं आपको डिस्प्ले लाकर दिखाता हूँ सिस्टम के अंदर। सिंपली क्या करना है, अपने अपने मदरबोर्ड को, सॉरी मदरबोर्ड ऑन करना है। जैसे कि मेरा केबल ऑन हो चुका है और आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले, इस पर लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी डिस्प्ले आ चुकी है, जेब्रोनिक्स यहाँ पर लिख के आ चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि विंडो को कैसे इंस्टॉल करेंगे। मैं इसमें विंडो 10 इंस्टॉल करूंगा और विंडो 10 को कैसे आप बूटेबल करेंगे, आपका एक वीडियो मैं बना के रखी है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आसानी से विंडो को डाउनलोड कर सकते हैं और विंडो कैसे बूटेबल बनाते हैं आपको वो भी बता दूंगा। अब चलते हैं अपने। इस तरीके की एक पेन ड्राइव लेनी है आपको 16 या 8 GB की। 16 या 8 GB की पेन ड्राइव में आपको विंडो 10 या 11 या 7 को बूटेबल बनाना है। और बूटेबल बनाने के साथ साथ याद रखें अपने कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड और माउस को अटैच कर लें। अब मैं इसके सिंपली इसको अपने CPU पे इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने के बाद क्या करना है, जेब्रोनिक्स का हमारा सिस्टम है तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे डेल प्रेस करना है। यहाँ पर जेब्रोनिक्स में सिंपली आपको डेल प्रेस करना है, जैसे कि यहाँ पे डेल यानी कि डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ, अट कंट्रोल डिलीट को कर देता हूँ ताकि ये दोबारा रिस्टार्ट हो जाए। अल्ट कंट्रोल डिलीट करूँगा और ये मेरा सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। और मैं कंटिन्यू क्या करूँगा, डेल प्रेस करूँगा ताकि बूटेबल का ऑप्शन मेरे सामने आए। ये मैंने डेल कंटिन्यू प्रेस किया और ये देख सकते हैं बूट का मेन्यू ओपन हो चुका है। अब क्या करना, आपको बूट ऑप्शन पर जाना है। आपको बूट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पाँचवें नंबर पर आपको बूट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपने कीबोर्ड पे प्रेस करनी है अप डाउन की
अप डाउन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अप डाउन की प्रेस करने के बाद आपको सिंपली जाना बूट ऑप्शन पे। यहाँ पे आ गया बूट ऑप्शन पे। बूट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं बूट ऑप्शन में एक पेन ड्राइव दिख रही है और सेकंड के ऑप्शन में आपको दिख रही है SSD। हमें फर्स्ट पार्टीशन पे ही दिखाना था अपने सैंडिस्क पेन ड्राइव को। सवाल सिंपल, हमारा जो ऑलरेडी है पहले से, आपको सिंपल क्या करना अपने कीबोर्ड पर फिर F10 यानी कि ये प्रेस करना है। F10 करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना और एंटर कर देना। एंटर करने के बाद ये दोबारा रिस्टार्ट होगा और हमारी बूटेबल विंडो इंस्टॉल या पॉपअप ओपन हो चुका है। आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट करना है। आपको कोई जो लैंग्वेज पसंद है तो कर सकते हैं, मैं सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करके फिर इंस्टॉल करना है। यहाँ पे वेट, यहाँ पे पूछ रहा है सॉरी इस पेन ड्राइव में मेरी विंडो 11 थी। यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास की है कि नहीं। मेरे पास की नहीं है तो अभी छोड़ दूंगा, इसको स्किप कर दूंगा। आपको क्या करना है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करके इसको आगे करना, आगे बढ़ना है। आप ही ऑप्शन दिखाई देगा, आप ही ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि विंडो 11 होम है, विंडो 11 है ने, या एजुकेशन। मैं प्रो इंस्टॉल करना चाहूँगा तो प्रो को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कर देना इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको करना है इस पर चेक। चेक करने के बाद आपको सिंपल कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपग्रेड करना नहीं चाहते, सीधे इंस्टॉल करना चाहते हो तो कस्टम इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो 40 GB की मेरी SSD यहाँ पे सो हो रही है। सिंपल करना है इसको सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको कर देना सिंपल नेक्स्ट। यहाँ पे विंडो इंस्टॉल होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ टाइम वेट करना है, यहाँ पे काफ़ी टाइम ले सकता है, यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट आपके लग जाएंगे वेट करेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टार्ट होने जा रहा है। आप चाहे तो नॉर्मली भी अपनी मैनुअल कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर 10 सेकंड के बाद भी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसे ऑटोमेटिक स्टार्ट होने दूंगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है, यानी कि हमारी बिना सब वाईफाई ऐड करने के बाद इसके अपडेट कंटिन्यू करने हैं। ये देख सकते हैं विंडो 11 का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको सेटअप करने के लिए बोलना है, आप जो चाहो वो लैंग्वेज यहाँ पे या कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंडिया का हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी इसकी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे यस करके ऐसे नॉर्मली आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पे आपको क्या लैंग्वेज चाहिए कीबोर्ड के लिए, तो इंग्लिश इंडिया करके यस कर दूँगा। यस करने के बाद मुझे कीबोर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, इंटरनली मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। स्किप करने के आपसे पूछेगा ये इंटरनेट कनेक्ट करना है कि नहीं, मुझे नहीं करना, मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो आई डोंट हैव इंटरनेट करके आगे बढ़ूंगा। और यहाँ से कनेक्ट करने के लिए पूछ रहा तो यहाँ पर कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। अब आपको सिंपली करना है नेक्स्ट, फिर करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट करके आके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना। और यहाँ पर हमारा PC रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं हमारा PC रेडी। ऑलमोस्ट डियर, यहाँ पे सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट एक्सेप्ट, और हमारा PC कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके का आपको इंटरफेस आपको देखने का मिलेगा विंडो 11 का। अब मैं दिखा देता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के लिए CP एक्सप्लोर ओपन करना है। एक्सप्लोर के बाद सीधे दिस PC पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पर चले जाना है। प्रॉपर्टीज पर आप देख सकते हैं यहाँ पे i3 6th जनरेशन का CPU है, 4GB रैम है और विंडो 11 प्रो। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल विंडो 11 प्रो आपको मिल रहा है बहुत ही कम सस्ते रेटों पर। एक्टिवेट करके देंगे हम, ये हमारा PC यानी कि हम लोग वर्किंग हो चुका है, इस पर कवर लगाएंगे और हमारा PC चालू। आज हमने बताया कि घर बैठे ही कैसे PC को असेंबल करेंगे आपके सामने। सिंपली मैं इस पर CPU का कवर लगाऊंगा और ये CPU मेरा वर्किंग में हो गया। अब मैं चाहे तो इस पर कोई भी वर्क कर सकता हूँ, अपना नॉर्मली ऑफिस वर्क या पर्सनली वर्क, एक्सेल या PPT वर्क, टैली वगैरह पे। और ये PC अब आपको विंडो कहाँ से इंस्टॉल करना, विंडो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विंडो 7, 8, 11 का भी ऑप्शन आपको लिंक डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे बताए लिंक से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई भी विंडो इंस्टॉल करते समय कोई की का एरर नहीं मांगेगा। कुछ क्या होता है, इस पर की मांग लेता और आई डोंट हैव की के ऑप्शन भी नहीं मिलता, सीधे की मांगता है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इस विंडो को आप सीधे सिंपल डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करें। और बूटेबल कैसे करना है मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, और एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से बूटेबल कैसे बनाते हैं पेन ड्राइव वो देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और सपोर्ट करें।